इससे पहले भी आकर कितनी बार बोल कर गए थे ना, फिर भी आगे काम किए, अभी नहीं है काम चालू किया। इन्होंने कहा था कि ये पेड़ काट तो दिए हैं, एक ईंट भी यहाँ नहीं रखने देंगे, लेकिन ईंट तो क्या आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पर बांध काम चालू है, सरिया ईंट सब लगाकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने ये कहा था कॉलर पकड़ के यहाँ लेकर आओ और बोलू कि तोड़ो, तो मेरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और हम खुद जाकर यहाँ पर भी तोड़ेंगे। ऐसी कौन सी महामारी फैल गई थी कि सिर्फ ये 6 पेड़ को काटना पड़ा। यानी आपने खुद कह दिया है कि इन पेड़ों को अगर काटना है तो काट दो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हूं मुंब्रा के मेक कंपनी के पास में और आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये मेक कंपनी के पास जो थोड़ी सी रोड के किनारे जगह थी, ठीक सामने जो है 6 पेड़ यहां पर थे और ठाणे महानगर पालिका ने इन 6 पेड़ों को जो है कुछ दिन पहले ऊपर से काट दिया था। हम कहेंगे दिखाने के लिए कि ये 6 पेड़ जो ऊपर से काट दिया गया था 6 पेड़ों को, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है देखेंगे कि यहाँ से मिट्टी भी, पेड़ के नीचे से ये मिट्टी भी हटाया जा रहा है धीरे धीरे, कि ताकि ये पेड़ जो है अपने आप गिर जाए। क्योंकि उस समय भी इन पेड़ की कटाई को लेकर जो है खबरें चली थी, तो उस वक्त मनपा की तरफ से कहा जा रहा था कि इन पेड़ों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा और इसमें कोई बीमारी लग गई है, इस तरह की तमाम जो है जानकारी दी जा रही थी। लेकिन ये हमारे जानकारी के मुताबिक लोगों का ऐसा कहना था कि ये पेड़ जो है अच्छे खासे थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। मुस्लिम लीग के फराज शेख भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा था कि ये पेड़ जो है एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन इन्हें जो है पीछे की तरफ जो है गाले बनाने के लिए जो है इन्हें इस तरह से ऊपर से जो है काट दिया गया था। हालांकि ये 6 पेड़ यहाँ पर थे, लेकिन आपको दिखाएंगे कि 6 पेड़, एक पेड़ वहाँ कॉर्नर पे था, जो वो पेड़ अब जो है उसका धड़ा जो है वो गायब हो गया, यानी कि उसे गिरा दिया गया है। लेकिन इन बाकी बचे 5 पेड़ों को भी धीरे धीरे किस तरह से गिराने की जो है कोशिश की जा रही है, कि ताकि ब्लेम ना लगे कि पेड़ को काट दिए हैं। हालांकि ऊपर से देखेंगे आप, काट दिया गया था, ऊपर दिखाइए, काट दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन पेड़ों में हरियाली जो है आ गई है। सवाल उठता है कि अगर ये पेड़ों में कोई बीमारी थी तो फिर दोबारा कैसे हरियाली आ गई, अगर ये खतरनाक थे तो कैसे ये खतरनाक हो गए थे, कितना धोखादायक थे ये पेड़। अब धीरे धीरे देखेंगे कि यहाँ से ये मिट्टी हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ बांध काम जो है किया जा रहा है। और आज फिर मुस्लिम लीग के फरहत शेख जो उस समय भी आकर यहाँ पर आवाज़ उठाई थी, लेकिन एक बात और आपको बता दें, अपोजिशन के नाम पर ढोल पीटने वाले यहाँ पर और भी पार्टी के लोग हैं, MIM है, समाजवादी है, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, लेकिन इस तरह से पेड़ जो मुद्दा है, पेड़ का मुद्दा है, जो हरियाली का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पर इन सबको सांप सूंघ गया है, बिल्कुल ही खामोश हुए लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग के फरहत शेख आई है, लेकिन इन पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन्होंने कहा था कि ये पेड़ काट तो दिए हैं, इस पर पूरी ये लड़ाई लड़ेंगे और एक ईंट भी यहाँ नहीं रखने देंगे, लेकिन ईंट तो क्या आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पर बांध काम चालू है, सरिया ईंट सब लगाकर यहाँ पर काम किया जा रहा है धड़ल्ले से। क्या क्या कहना चाहेंगे आप, कह रहे थे ईंट नहीं रखने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, देखिए मेरे हाथ में नोटिस है, बिल्कुल मैंने ये कहा था और मैंने जब बोल रही तो मैं वो इंशाल्लाह करूँगी भी। मेरी तरफ से जिस दिन आपसे हमारी जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था इसके रिगार्डिंग, उस दिन से मेरा कंटिन्यू फॉलोअप चल रहा है। अच्छा, ये जो हम लोगों का ये लेटर आया हुआ है यहाँ पर, इसको तोड़ने की नोटिस भी आ चुकी है, ठीक है, यही गाले को स्पेशली मैं आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड करूँगी, इसको तोड़ने का नोटिस भी आ चुका है। अब मैं क्या करूँ, उनको कॉलर पकड़ के यहाँ लेकर आओ और बोलूँ कि तोड़ो, या मैं खुद यहाँ पर तोड़ दूँ, बोलो। मैं अब मैंने उनको यहाँ पर बोलकर आई हूँ, अगर आपने ये नोटिस के ऊपर अगर अमल नहीं किया तो मेरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और हम खुद जाकर यहाँ पर भी तोड़ेंगे। क्या बोल रहे मनपा अधिकारी, क्या बोल मनपा अधिकारी बोल रहे कि इन लोगों ने पेपर जमा किए, वही तो हमने पूछे काय का पेपर जमा किए, अगर पेपर जमा होता तो आप पहले दिन ही वर्क ऑर्डर दिखा देते कि देखो हमने पेपर जमा किया, ये वर्क ऑर्डर, और अगर वर्क ऑर्डर होता तो हमें क्या इंटरेस्ट था इसके ऊपर, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना होता कि पेड़ काटे आपने उसकी कंप्लेंट हम करेंगे और आपको उसके इक्वल में आपको पेड़ लगाना है। अगर आपके पास वर्क ऑर्डर होता है इसका तो हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं था। अब जब वर्क ऑर्डर आ चुका है इसको, लेकिन पेड़ क्यों काटे ये पूछा आपने, पेड़ क्यों काटा गया ऊपर से, आप बता रही थी कि मनपा की तरफ से जो है जानकारी दी गई है कि पेड़ में बीमारी आ गई थी, तो ऐसी कौन सी महामारी फैल गई थी कि पेड़ों को काट दिया गया। वही हमने कहा कि भाई एक बात बताओ, ऐसी कौन सी महामारी फैल गई थी कि सिर्फ ये 6 पेड़ को काटना पड़ा, बाकी मुमरा के पेड़ बाकी बहुत अच्छे है, सेहतयाब हो गए, बाकी यही पेड़ क्यों नहीं कटे। पशुओं का पेड़ है,
ठीक है, आगे भी अशोका पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे इनको बीमारी पड़ गई, आगे अशोका पेड़ वैसे के वैसे है। 2021 की रिपोर्ट है, ये सारे हेल्दी थे। ये पीछे कौन सा पेड़ है? ये सब अशोका है, सब एक ही जैसे। और यही पेड़ लगे हुए थे यहाँ पे भी, ये जो तोड़े गए, तो जहाँ ये बनने वाला था इसके सामने ही पेड़ों को बीमारी लग गई। बीमारी लग गई, अब ये इससे समझ में आता है इंटेंशन, और ये इंटेंशन हमने वहाँ प्रूव किया, तभी तो हमको तोड़ने की नोटिस मिली, तभी तो हमको ये तोड़ने की नोटिस मिली कि भाई इसको तोड़ो। अब मैं क्या कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा, उसका कॉलर पकड़ के उसको यहाँ पर लेकर आओ और बोलूँ कि भाई तुम तोड़ो उसको। आज सुबह से मैंने उनको लास्ट टाइम मैंने बोलकर गई थी कि अगर आपने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, मेरी पूरी टीम आके यहाँ पर खड़े रहेंगे और आपको तोड़ना पड़ेगा। अब वो 8 दिन से बीमार पड़े, 8 दिन से बीमार पड़े। आप क्या करो, उनके घर पर जाओ और उनको लेकर आओ। बीमार है 8 दिन? ये जो खराट, जिनके ये वार्ड में ना खराट करके है, प्रमोद खराट ना, प्रमोद खराट करके है, उनके अंडर में ये वार्ड आता है। अब उनको और सहयोग से बात की तो उनके घर में फंक्शन चल रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सहयोग का लेटर है, मनोज जोशी की तरफ से लेटर है, बाकायदा बोला गया है कि मुस्लिम लीग ने जो बोला गया है उसका इसकी एक रिपोर्ट बनाया जाए, और ये रिपोर्ट मनीष जोशी के साथ साथ हमको भी दी है। देखो सीसी में हमको भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अमीन शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अच्छा, सारे पूछी मैं आपके जो आपके लगाए हुए इल्जाम को जो है ना, मैं उसको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि हम सच में जो काम हाथ में लेते ना उसको पूरा करते हैं। अब यह आपको भी समझ में आता है कि यहाँ पर जो काम होते हैं वो किसकी मिली भगत में होते हैं और कहाँ से प्रेशर आता है और किसने किसकी वजह से ये लोग रुके होते हैं। अधिकारियों को वही बोलना है, हम जैसे साइड से पहुँचते हैं, पूर्व नगर सेवक, नगर सेवक, सब विधायक, सबके कॉल आने चालू हो जाते हैं, सब गालियाँ देना शुरू कर देते, ऑफिसर भी गालियाँ खाने से बचने के लिए पक जाते वापस। अच्छा, आप जब यहाँ पर पिछली बार आए थे तो कितने पेड़ थे, 6 थे या 5? 6 वो आगे वाला जो था ना वहाँ पे टोटल मिला के 12 पेड़ थे। यहाँ पर सामने 5 थे, वहाँ पर एक, यहाँ पर 6 पेड़ थे, वहाँ भी थे, हाँ वहाँ पर एक पेड़ था, 6 पेड़ उधर के भी थे, बाकी मैक कंपनी लिखा है कि वहाँ पे निकाल दिया, तो वहाँ का एक पेड़ गायब है। तो इसीलिए अभी पेड़ के लिए ना हम लोग ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करके जो आता है वहाँ पर हम लोग ने कंप्लेंट की इस बात की, क्योंकि मैं आपको एक इसकी बात, आप इधर आप आइए, ये पेड़ मिट्टी निकाल दिया जा रहा है धीरे धीरे यहाँ से, ये ऐसा क्यों किया गया आखिर, कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि काटने के बाद भी पेड़ में हरियाली आ रही है। मैंने इनसे यही कहा कि अभी बारिश जो है वो सर पर है, 2 दिन से इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि कल को यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर अगर ये पेड़ गिर गया, आप जो मिट्टी ढीली अगर आप ही के ऊपर गिर गया तो आप क्या करोगे करके, इसकी हालत देखो, इसको कैसा हो गया। तो इसी के लिए जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लेंट, क्योंकि ना पेड़ काटना हमारे यहाँ पर जो है ना वो कोई एकदम हीनियस जो एकदम सीरियस क्राइम नहीं माना जाता है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि एक पेड़ काटना मतलब इंसानियत को काटना होता है। हम यही पेड़ों की वजह से जो है वो सांस लेते हैं, और रात के टाइम पे आप यहाँ पर आओ कितना सुकून लगता है यहाँ पर। 16 पेड़ लगाने की बात भी कही है कि आप उसको निकाल रहे हो, अगर निकाल दिया आपने वहाँ पे यहाँ पे तो 16 पेड़ मुंब्रा के अंदर लगाओ, सिर्फ मुंब्रा के अंदर, हमारी बात होनी, क्योंकि यही उसका जो इसका अगर आपने पेड़ काटा तो इसकी आपकी पनिशमेंट यही होती है। 216 पेड़ कहाँ लगाएंगे आपको कुछ बताया? में जहाँ पे डिवाइडर हो गया, हाँ। ठीक है, और जहाँ पे साइड वगैरह में जो होता है वो महानगर पालिका से बात करके आप जो 20-20 में 216 पेड़ लगाओ, ऐसा हमारे हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उनको बोला, मांग की, इस तरीके से काम किया जाए। 216 का एक उनका एक, यानी आपने खुद कह दिया है कि इन पेड़ों को अगर काटना है तो काट दो, उसके लिए जो कट गए ना, जो पहले कटे हुए थे ना, जो पहले कटे हुए थे, जो ऑफिस के सामने कटे हुए पेड़ है, उसके लिए हम लोग ने बोला है कि आप जो है वो उसके ऊपर जो है वो 216 जो है वो पेड़ लगाओ, और ये जो है ना इसको हमको बचाना है, इसलिए हमने इसकी भी कंप्लेंट डाली है, और साथ साथ इसके पेड़ की वजह से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी हमारा काम चालू है, जिसका वर्क ऑर्डर आ चुका है तोड़ने का। लेकिन अभी अधिकारियों के पास या आप लोग का भी काम बनता है कि आप अधिकारियों को जाके सवाल करो, मेरा ये लेटर लेके जाओ वर्क ऑर्डर, आप उनसे सवाल करो कि आप क्यों नहीं तोड़ रहे। अब ये आपका भी काम बनता है इस्लामुद्दीन भाई, और बाकी जो जिसने मुझे ये कवर किया इस चीज़ के लिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ अतिक्रमण ऑफिस के बाहर पूरी टीम जाके बैठ भी जाएगी, और जब तक वो तोड़ेंगे नहीं उनको जाने भी नहीं देंगे हम लोग। हम लोग से जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे, लेकिन अब आप लोग की भी ड्यूटी बनती है कि ये ऑर्डर वर्क ऑर्डर लेकर जाओ, तोड़ने का मिला है ना, अब आप उनसे सवाल करो कि आप क्यों नहीं तोड़ रहे हो, अब वो आपको क्या जवाब देते हैं। कंपनी मोहन भगत, मैं कंपनी समूह, इसी गाले का है, सब इसी का है, लेकिन 2 दिन का नोटिस था 28 तारीख। अच्छा, किसका बन रहा है यार, किसका कौन बना रहा है? देखिए, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा पिछली बार जैसे अभी हम लोगों को पता चला था कि कुछ शेट्टी लोग ने यहाँ पर जो है वो गेस्ट हाउस वगैरह ऐसा बन रहा था, तो इस वक्त भी ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है कि ऐसा सीढ़ी वगैरह बन रही है और बाकी सब चीज़ें बन रही है यहाँ पर, आप कैमरा रोटेट कीजिए, वहाँ पर सीढ़ी वगैरह सब बन रही है, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि शायद से वापस से इस तरीके की चीज़ें बन रही है, तो इसको भी रोकना जो है यहाँ के जिम्मेदारान का काम है। कौन बना से
बनाने का अपने पास है किसी का? ऐसा लगता है कि कोई मजबूर बना रहा है, लगता है मतलब, क्योंकि वो लेटर उनका ही गया पेड़ काटने के लिए। हाँ। पेड़ काटने का लेटर ऐसा एक अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग ने जो आरटीआई निकाला है ना। जमीन किसकी है यहाँ पर? मैक कंपनी की, इसकी उसका 7-12 है मेरे पास, मैं वो भी आपको दे सकती हूँ। अभी आप किस तरह से इसको फॉलो अप लेंगे? अभी आयुक्त से हमारी मुलाकात होगी, आयुक्त अभी बीमार पड़े सीधा मंडी आएंगे, तो आयुक्त से मुलाकात करेंगे, आयुक्त से जो हमारी कार्रवाई होगी अभी बता देंगे, तो आयुक्त फिर भाग जाएगा, तो इसलिए अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मंडे की आयुक्त से फिर हम लोग डायरेक्ट, हम लोग ने सोचा है कि हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, अगर हम बोल के जाते हैं तो इसी तरीके से ये लोग बीमार पड़ जाते हैं या तो आते नहीं है, तो अब जो है वो डायरेक्ट अटैक करने का टाइम है, तो इंशाल्लाह हम लोग डायरेक्ट अब जाकर बात करेंगे, और आप लोग डायरेक्ट अटैक इन द सेंस हम लोग डायरेक्टली जाकर बात करने वाले, डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज, सॉरी। तो आपने सुना कि किस तरह से जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है, मुस्लिम लीग जो है इस पर लगातार आवाज़ उठा रही है कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ये 6 पेड़ यहाँ पर थे, इन पेड़ों को काटने को लेकर जो है यहाँ पर ये मामला सामने आया था। हालांकि मुस्लिम लीग के तरफ से कहा भी जा रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर बनाया जाएगा, और यहाँ पर बनाने का भी काम शुरू किया गया है। और देखेंगे ये 6 पेड़ जो यहाँ पर थे ऊपर से काटा गया था, बीमारी वगैरह बताई जा रही थी, लेकिन देखेंगे हरियाली आई है, लेकिन धीरे धीरे अब नीचे से मिट्टी जो है इसका निकाल दिया गया है, और ताकि ये अपने आप जो है गिर जाए। लेकिन मुस्लिम लीग का कहना है कि इन पेड़ों को बचाने की कोशिश उनकी जारी है।